हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब घर पर हैं और सुरक्षित है। आज मैं व्याख्या करूंगी पहला पाठ, जो कि एक संकलित कविता है, अर्थात पोयम, जिसका शीर्षक है प्रार्थना, अर्थात प्रेयर। ये प्रार्थना क्या है? आप सभी प्रार्थना करते होंगे, है ना? कुछ लोग सुबह, कुछ लोग रात को, और अक्सर हम कोई काम शुरू करने से पहले भी प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक काम में भगवान का आशीर्वाद हो। हम कुछ लोग अंग्रेजी में, कुछ लोग कन्नड़ में, अलग अलग भाषाओं में हम प्रार्थना करते हैं। जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं तो भगवान से ये कहते हैं कि हमें एक और दिन मिला है, हमें एक और मौका मिला है जिससे हम अपने आप को सुधारे, जो गलतियां हमने कल किया है वो हम आज न करें। और कभी कभी रात को हम ये कहते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया। और कोई काम शुरू करने से पहले भी हम भगवान को याद करते हैं ताकि वो काम अच्छे से हो जाए। आप किस प्रकार प्रार्थना करते हैं, क्या मांगते हैं भगवान से? यही कि आपको बहुत सारे चॉकलेट्स मिले, आइसक्रीम मिले, या कभी एग्जाम्स हो ही ना, यही मांगते हैं क्या? इससे ज्यादा कुछ मांगना चाहिए? तो प्रार्थना मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रार्थना किस प्रकार होना चाहिए, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, ऐसे ही बताने के लिए एक यहाँ पर आपको बहुत ही छोटी सी सरल कविता दी गई है जिसका शीर्षक है प्रार्थना। तो मैं जब कविता का वाचन करूंगी, आप भी अनुकरण वाचन करोगे, अर्थात मेरे साथ कविता को पढ़ोगे, ताकि आपको कविता पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये कविता आपको कंठस्थ भी करना है, अर्थात बाय हार्ट करना है। मैं हर बार दो पंक्तियां पढ़ूंगी, उसका भावार्थ बताऊंगी, आप भी कविता को मेरे साथ दोहराओगे। देखेंगे पहली दो पंक्तियां। सच बोले, सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। सच बोले, सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। मतलब क्या है? हमें हमेशा सच बातों के बारे में सोचना चाहिए। विचारे, विचारे का क्या मतलब है? सोचे। हमें हमेशा सच्ची बातों के बारे में सोचना चाहिए। हम जब सच बातों के बारे में सोचेंगे और हमेशा सच्ची बोलेंगे। भले काम मतलब अच्छे काम। हमें हमेशा जीवन में अच्छे काम करते हुए जीवन बिताना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच बातों के बारे में ही विचार करना चाहिए, और हमेशा अच्छे काम ही करना चाहिए। ये दो पंक्तियों में यह कहा गया है कि हमें सच बोलना चाहिए, सच्ची बातों के बारे में विचार करना चाहिए, और हमेशा जीवन में अच्छा करना चाहिए। देखते हैं आगे की दो पंक्तियां। मिलकर रहे, नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। मिलकर रहे, नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। मतलब क्या है? हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने की नियम मतलब रूल्स, ये रूल्स को अपनाना चाहिए। हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बीती बातों को बिसराए, बीती बातें मतलब पुरानी बातें, जो भी हो गया है, कल जो हो गया है वो पुरानी बातें हैं। बिसराना, बिसराना मतलब भुला देना, मतलब फॉरगेट, भूल जाना। हमें जो कल हुआ है उस बातों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, हमें उन बातों को भुला देना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इन दो पंक्तियों में क्या है? इन दो पंक्तियों में कहा गया है हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, और जो बीत गया है, जो हो गया है, पुरानी बातें हैं, उसे भूल जाना चाहिए।
अगली दो पंक्तियों को देखिए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। छोटे बड़े ऐसा कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें सबके साथ मिलकर गिरे हुए को, गिरे मतलब नीचे गिरे हुए नहीं, गिरे का मतलब है जो शिक्षा में पीछे है, आर्थिक रूप से पीछे है, जो बहुत ही तकलीफ में है, मुसीबत में है, उन्हें हमें मदद करनी चाहिए, उनकी हमें मदद करनी चाहिए और उनको ऊपर लाना चाहिए, उन्हें उठाना चाहिए। छोटे बड़े सब मिलकर तुरंत, इसका मतलब है जल्दी, तुरंत का मतलब है जल्दी, जो भी तकलीफ में है, जो भी मुसीबत में है, उन्हें हमें मदद करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें उस मुसीबत से उठाना चाहिए। आगे देखते हैं, करे किसी का ना अपमान, ऐसे ही मति दो भगवान। करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। तो हमें भगवान से कैसी मति मांगनी चाहिए? मति का मतलब है बुद्धि, बुद्धि कैसी बुद्धि मांगनी चाहिए? भगवान से हमें ऐसी मति मांगनी चाहिए जिससे हम कभी किसी की अपमान ना करें। अपमान का मतलब है इंसल्ट, अनादर, अपमान का मतलब है अनादर। हमें भगवान से ऐसी बुद्धि मांगनी चाहिए जिससे हम कभी किसी का अपमान ना करें या हमारे वजह से किसी की अपमान ना हो। हमें भगवान से ऐसी बुद्धि मांगनी चाहिए। आगे देखिए, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। अर्थात हमें सद्भावना रखनी चाहिए, हमारे दिल में ऐसी भावना रखनी चाहिए, जाति धर्म रंग इन सारे भेदभावों को भुलाकर हमें पूरे देशवासियों के साथ सद्भावना के साथ, अच्छे भावना के साथ जीवन बिताना चाहिए। और देश देश में मान रखिए मतलब पूरे विश्व में, हर एक देश में हमारा नाम हो, ऐसा जीवन हमें बिताना चाहिए। कभी भी जाति धर्म ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहते हुए दुनिया के हर एक देश में हमारा नाम हो। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। मतलब हट, जिद कभी नहीं करना चाहिए। हम हर बात के लिए कभी कभी जिद करते हैं, वो जिद हमें नहीं करनी चाहिए। और संयम अपनाए, संयम को अपनाने, संयम का मतलब है पेशेंस, हमेशा हमें संयम के साथ बर्ताव करनी चाहिए। और मातृभूमि, जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं उसे हम माँ कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। हमारी मातृभूमि कौन सी है? भारत, ये देश हमारी मातृभूमि है और इस देश के लिए हमें अपना प्राण समर्पण करना चाहिए। हमारे जो जीवन है इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए हमें समर्पण करना चाहिए। तो इन पंक्तियों में कहा गया है कि हमें कभी हट का व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा संयम से रहना चाहिए, बहुत ही पेशेंस से रहना चाहिए और हमारे मातृभूमि के लिए हमें अपना जीवन निछावर करना चाहिए। बलि बलि जाना मतलब निछावर करना। तो यहाँ पर भले, इस शब्द का विरोध शब्द क्या है? बुरे। भले मतलब अच्छे, बुरे उसका विरोध शब्द है अपमान, इसका विरोध शब्द है सम्मान। तो इन सारे कविता के सभी पंक्तियों में हमें ये उद्देश्य, ये पता चलता है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? यही कि हम हमेशा सच बातों के बारे में सोचे, हमेशा सच बोले और अच्छे काम करते हुए हमें अपने जीवन बिताना चाहिए। सबके साथ मिलजुल कर रहते हुए पुरानी बातें, जो बीते हुए बातें हैं उन्हें भुला देना चाहिए। सब लोगों को मिलकर, जो गिरे हुए लोग हैं, जो तकलीफ में हैं, उनकी मदद करनी चाहिए और कभी भी हट का व्यवहार नहीं करना चाहिए। संयम से बर्ताव करते हुए अपने मातृभूमि के लिए अपना जीवन निछावर करनी चाहिए। हमें भगवान से ऐसी बुद्धि मांगनी चाहिए जिससे हम किसी का अपमान कभी भी ना करें।
तो ये इस कविता की भावार्थ है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। धन्यवाद।